डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम बेटा रिकैपिटुलेट करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, उसको हम बेटा देखेंगे कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। पहला जो हमारा यूनिट था, तो हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था, इस यूनिट का नाम था दैट इज मैटर एंड नोन एज प्योर। तो बेटा, इसमें हमने डिस्कस किया था प्योर सब्सटेंस हम किनको कहेंगे, उसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ओनली और द टू सब्सटेंसेस व्हिच आर प्योर इन दिस यूनिवर्स। बट उसके बाद हमने बेटा मिक्सचर्स देखे हैं, तो मिक्सचर्स के डिफरेंट टाइप्स भी हमने देखे हैं। उसमें हमने पढ़ा था बेटा होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर्स हम उन मिक्सचर्स को कहते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। उसके बाद बेटा हमने देखा, पढ़ा था हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स जिसकी वेरिएड कंपोजिशन होती है, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस भी देखे हैं। बट जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम बेटा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन को हम बेटा मिक्सचर्स भी कहते हैं। अब बेटा सॉल्यूशन को डिस्कस करने से सिंपली हम देखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस अब फिजिकली रिएक्ट हो जाएंगे एक वेरिएड कंपोजिशन में, तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, इस मिक्सचर में हम देखते हैं जो सॉल्यूशन है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस फिजिकली रिएक्ट हो जाते हैं एक वेरिएड कंपोजिशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पे बेटा एक सिंपल सॉल्यूशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा शुगर ले लेंगे, शुगर को मैंने बेटा वाटर के साथ डाला, तो हमारे पास बेटा एक मिक्सचर बन गया। बट हम इस मिक्सचर को होमोजेनियस कहते हैं, क्यों? क्योंकि साल्ट जो है इसकी होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी विद द वाटर। उसके बाद आपके पास जो मिक्सचर बन गया, उस मिक्सचर को हम बेटा सॉल्यूशन कहते हैं। अब जब बेटा सॉल्यूशन अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखेंगे, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अगर हम लेमोनेड देखेंगे, उसमें भी बेटा बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे बेटा एक सॉल्यूशन बन जाता है। अब बेटा सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत है, उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे जो बेटा जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस नॉन केमिकली रिएक्ट नहीं हो जाएंगे बट दे कैन रिएक्ट फिजिकली। अगर बेटा मिक्सचर बनने के लिए जब भी कंपाउंड बनता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कंपाउंड बनने के लिए दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, बट मिक्सचर बनने के लिए जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, बट दे कैन कंबाइन फिजिकली। अब जब बेटा आपके पास उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, इसीलिए बेटा यहां पे मैंने लिखा है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब बेटा यहां पे आपने देखा, जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं बट दे कैन कंबाइन फिजिकली, उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है। अब बेटा यहां पे मैंने आपको बताया हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत किस्म के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने आप यहां पे बताया शुगर को मैंने वाटर के साथ डाला, तो शुगर कंप्लीटली वाटर के साथ डिसॉल्व होके आपके पास एक मिक्सचर बना, और इसी मिक्सचर को हम बेटा सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि बेटा जो शुगर होगा ये कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, उस तरीके से इसका होमोजेनियस नेचर बनेगा, इसीलिए हम इस सॉल्यूशन को इस मिक्सचर को हम बेटा सॉल्यूशन कहेंगे। आप बेटा जब भी आप कोई सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे, बट हमारे पास डे टू डे लाइफ हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को यूज करते हैं, बट आपके सिलेबस में ज्यादातर हम उन्हीं सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे व्हिच वी सिंपली कॉल एज अ बाइनरी सॉल्यूशंस। वो बाइनरी सॉल्यूशंस बेटा वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दी कि अगर मैंने शुगर को वाटर के साथ डाला, हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, बट यहां पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स यूज हो गए, उसके बाद आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया। तो दैट मींस ऐसे सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। बट हमारे पास ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को रिएक्ट करते हैं, उन वो भी सॉल्यूशंस हमारे पास भी फॉर्म हो जाते हैं, बट यहां पे हम मोस्टली
सिर्फ वही सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो बेटा बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। अब बेटा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स की जरूरत होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत है, उसके बाद हम एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया मैंने शुगर को वाटर में डाला, मेरे पास सॉल्यूशन बन गया, एक मिक्सचर बन गया, इसी मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे। बट अब बेटा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, वन व्हिच वी कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड सेकंड वन व्हिच वी कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। अब जब बेटा सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जब भी आप कोई बाइनरी सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे वहां पे दो कंपोनेंट्स की जरूरत है, वन व्हिच वी कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड सेकंड वन व्हिच वी कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। अब बेटा सॉल्यूट की सब्सटेंस को हम कहेंगे एंड सॉल्यूट की सब्सटेंस को हम कहेंगे, बेटा वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम सॉल्यूट सब्सटेंस कहते हैं, सॉल्यूट कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरीके से वाटर जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम बेटा सॉल्वेंट कहते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी सॉल्यूशंस में मोस्टली दो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, वन व्हिच वी कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड सेकंड वन व्हिच वी कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। अब बेटा सॉल्वेंट हम मोस्टली ऐसे सॉल्यूशन उस मटेरियल को कहते हैं, उस मीडियम को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने शुगर को वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बन गया, मतलब शुगर जो है इट एक्ट्स एज सॉल्यूट क्योंकि बेटा ये डिसॉल्विंग मटेरियल है। इसी तरीके से जो वाटर है इसमें ये एक मीडियम है जिसमें मैंने शुगर को डिसॉल्व किया, ये सॉल्वेंट एक्ट एज करेगा। बट हमारे पास ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जो सॉलिड प्लस सॉलिड के दरमियान भी बन सकते हैं। अब बेटा सॉलिड सॉलिड जैसे हम एलॉयज देखते हैं, एलॉय अगर आप देखोगे ये भी एक सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल्स, मेटल या नॉन मेटल। अब बेटा यहां पे आप किसको सॉलिड कहोगे, किस सब्सटेंस को सॉल्वेंट कहोगे? अब बेटा इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी वही सब्सटेंस जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उस सब्सटेंस को, उस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। वो सिंपली वी कैन से दैट द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा एक सॉल्यूशन में उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो लेसर क्वांटिटी में बेटा प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। इस तरीके से अगर हम बेटा स्टेनलेस स्टील लेंगे, अगर हम स्टेनलेस स्टील लेते हैं या आप सिंपली डायरेक्टली स्टील लेंगे, ये एक अलावा है। अब इसमें किस चीज को आप सॉल्यूट कहोगे, किस सब्सटेंस को सॉल्वेंट कहोगे? फॉर एग्जांपल आपको पता है जब भी स्टील बनता है इसमें आयरन एंड कार्बन को यूज किया जाता है। जो आयरन बेटा यहाँ पे यूज किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 98% आयरन को यूज करके और 2% कार्बन एलिमेंट को नॉन मेटल को यूज करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसको हम एलॉयज कहते हैं, एक स्टील बनता है। अब बेटा जो आयरन है ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है इसीलिए हम इसको सॉल्वेंट कहेंगे। अब जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड कार्बन, इसको हम बेटा सॉल्वेंट कहेंगे। In nutshell, we can see that solid is simply that substance which is always present in large amount, whereas solvent उस substance को कहेंगे जो lesser amount में बेटा solution में present होगा। इस तरीके से हमने बेटा यहाँ पे देखा solution को, ये एक homogeneous mixture है जहाँ पे बहुत सारे substances chemically non-reactive substances mix हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हम दो components को use करते हैं, one which we called as solute and second one which we called as a solvent। अब बेटा जब हम properties की बात करेंगे, अब इस solution में बहुत सारे properties होते हैं। अगर आप बेटा solution में देखोगे इसमें आप दो components हम mostly use करते हैं, one which we called as a solute, second one which we called as a solvent। अब बेटा solute and solvent आपको पता चल गया, उस material को जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। अब बेटा जो सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशंस में होते हैं ये हमेशा इनका जो साइज होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब बेटा जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशंस में होते हैं इनका जो डायमीटर होता है इट इज ऑलवेज less than 1 nanometer। अब ये particles इतने small होते हैं इस solutions में that these particles cannot be seen with the naked eyes।
अब जब हम इन पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, दैट इज व्हाई इफ वी पॉज द लाइट, अगर आप लाइट को पॉज करोगे इन्हीं सॉल्यूशंस में, तो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. वो दैट मींस लाइट की जो पाथ है दैट डू नॉट बिकम विजिबल, लाइट की पाथ विजिबल नहीं बनेगी क्योंकि पार्टिकल्स इतने माइन्यूट होते हैं दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. इस तरीके से ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया है, सॉल्यूशन भी डिस्कस किया है. अब बेटा जो हमने असाइनमेंट यहां पे रखा है दैट इज सॉल्यूशन एंड इसके डिफरेंट टाइप्स, जो आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस को अपने घर में यूज किया करते हैं, इनके एग्जांपल्स दे दोगे और सॉल्यूशन को आप डिफाइन करके. ये असाइनमेंट आपके लिए इस लेक्चर के लिए यही असाइनमेंट रखा है. और जो पिछले कुछ यूनिट्स में मैंने जो असाइनमेंट्स रखे थे वो असाइनमेंट्स कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किए थे. अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो उस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, प्लीज उन असाइनमेंट्स को जल्दी से कंप्लीट करके और इस असाइनमेंट को भी बेटा कंप्लीट कर दीजिए.